वेलकम बैक टू माई चैनल वंस अगेन। और सब किदा? आपा वधिया? एक्सपेक्ट कर तुसी वधिया रहो। सो आई एम व्लॉगिंग आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। सो गाइस, आज का व्लॉग होने वाला है, मैं वर्कआउट करूँगा गोल्ड जिम में। आज चेस्ट और शोल्डर्स के पूरे लगा देने हैं। और आज का जो वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं अपने न्यू फ़ोन से कर रहा हूँ, iPhone 13 Pro Max। सो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि इसका साउंड क्वालिटी कैसा है एंड ऑल द वीडियो। यू नो, कुछ भी आपको सही ना लगे आप बताइए, अच्छा लगे तो ही बताइए कमेंट्स में। सो आज अपना जो मैं रिसेंट प्री वर्कआउट यूज़ कर रहा हूँ वो भी आपको आपके साथ शेयर कर दूँगा। सो अभी मैं इन द मॉर्निंग क्या लेता हूँ उठते साथ वो आपको दिखा दे रहा हूँ। ब्रेकफास्ट क्या करूँगा जो कि मेरा प्री वर्कआउट मील ही होने वाला है, तो लेट्स सी। सो एग्जैक्टली आफ्टर ब्रशिंग माई टीथ इन द मॉर्निंग अपन ये लेते हैं डाब। ये बस मेरा करंट रिजाइम है, मुझे ये अच्छा लगता है तो यही ले। तो हेयर माई प्रीटी गुड ब्रेकफास्ट इज रेडी। ब्रेकफास्ट करके थोड़ी हंसी आ ही जाती है। सो हेयर आई एम हैविंग दिस 5X, इसमें 3 egg whites है, 2 whole eggs है और मस्त चीज़ इडली। दो इडली में हैविंग, काप्स भी हो जाएंगे और घर में जो भी रहता है काप्स में मैं रोटी या चावल उसे एडजस्ट कर लेता हूँ। एडजस्ट किया वो भी आप खा सकते हैं, वो भी अच्छे काप्स है, बस आप थोड़ा कैलकुलेटिव वे में चलना पड़ता है। सो अभी जल्दी जल्दी अपन ब्रेकफास्ट करते हैं और थोड़ी वेट करके जिम चलते हैं। सो आई एम ऑल सेट टू लीव फॉर द जिम, बट निकलते निकलते याद आया कि मैंने अपनी 2 most essential things ली नहीं, मतलब मुझे ब्रेकफास्ट के बाद लेनी चाहिए थी बट आई फॉरगॉट। सो दैट्स एक फिश ऑयल, कार्बामेट फूड, आप कोई भी ब्रांड यूज़ कर सकते हैं। एक और है मल्टीविटामिन। सो ये दोनों आपकी डाइट में होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज कल हमें डाइट से वो मल्टीविटामिन या न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं। सो ये अपनी डाइट में ये 2 supplements ज़रूर रखें। लेट्स गेट टू वर्क नाउ। करेंटली आई रीच माई डेस्टिनेशन। सो दोज हू वॉचिंग मी फ्रॉम जमशेदपुर, उनको मैं ये बता दूँ कि गोल्ड्स जिम की लोकेशन कहाँ सिचुएटेड है। ये बिस्टुपुर में रीगल ग्राउंड के फ्रंट में, रीगल बिल्डिंग में 3rd floor में सिचुएटेड है ये गोल्ड्स जिम। रीगल ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ मी, रीगल बिल्डिंग मेरे पीछे। सो एक और चीज़ बताना चाहता हूँ आपको, आप पता नहीं कैसे वीडियो जब देखेंगे तो आपको कैसे लगेगा, बट आई एम रियली इन्जॉइंग, मतलब कैमरा वगैरह, ट्राईपॉड, माइक, उसको ठीक से रखो, कहीं गिर ना जाए, टूट जाएगा माइक कैमरा ये वो। एंड दिस फ़ोन ये बहुत हैंडी, मतलब व्लॉग करने मज़ा आ रहा है अलग टाइप का यार। कुछ भी हो रहा है, थोड़ा सा मोमेंट कुछ भी कैप्चर कर लो फट से ना, कुछ भी रील बना लो, बहुत मतलब बहुत हैंडी है ये फ़ोन। और जैसे कि मैं कैमरे में तो कोई फुटेज उतना चेक करता नहीं था, हमेशा मोबाइल में चेक करता था जब एडिट करना होता था, तो हमको कंपैरेटिव कैमरे कंपैरेटिव में ये मोबाइल का फुटेज ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बाकी बात बताइए कि कैसा लग रहा है, बट मुझे बहुत मज़ा आ रहा है सही में ब्लॉग करने में इस मोबाइल के साथ। सो यार गाइस, आई एम करेंटली वॉशरूम, क्योंकि जो लॉकर रूम है वो कुछ ज़्यादा ही ऑक्यूपाइड है। सो नाउ यू नो, और जैसा कि मैंने बोला था कि मैं अपना प्री वर्कआउट दिखाऊंगा, सो हियर इज दैट DPI स्पोर्ट्स का 1 mR वोल्टेक्स। मतलब अगर आप प्री वर्कआउट्स के फ़ैन हो तो आपको चेंज करने में मज़ा आता होगा। सो इट्स जस्ट अ चेंज और इसमें मैंने एक्सपीरियंस के लिए थोड़ा फोकस रहता है, दैट्स इट। बाकी इचनेस नहीं है, पहले लिख दिया नोटिंग अनलेस एंड दैट इसके बॉक्स पे, सो आई एम नॉट टेक इट।
कंडीशन दुर्गा पूजा और दिवाली में खा खा के थोड़ा थोड़ा फैट आ गया बट विल गेट बैक सून एंड बिफोर टेकिंग द पोस्ट वर्कआउट ड्रिंक पहले स्टीम ले लेता हूँ स्टीम इज समथिंग लाइक दिस सो गाइस एंड शावर टू और मैं उसमें बताने भूल गया स्टीम के बारे बेसिकली स्टीम लिया जाता है वर्कआउट के बाद ऐसे ज़रूरी नहीं कि वर्कआउट के बाद ही आपको लेना है बट स्टीम लेने से ये फ़ायदा है कि जैसे आपकी बॉडी में टैन हो जाता है आप कहीं बाहर रहते हो वो धीरे धीरे करके बॉडी को टैन रिमूव करता है बॉडी में काफ़ी इम्प्योरिटीज आ जाती है तो स्टीम ये सब चीज़ के लिए लेना चाहिए मतलब आप चाहे तो डेली भी ले सकते हो या वीक में दो तीन बार तो लेंगे तो अच्छे हैं स्टीम सो स्टीम ले लिया उड़ीसा में तो वैसे ही होल माइस धजिया उड़ जाता है भाई टैन आ जाती है बट यहाँ पे कम से कम स्टीम मिल रहा है तो आई एम वेरी थैंकफुल टू कोल्ड जिम कि स्टीम मिल रहा है और अब देने की बारी है पोस्ट वर्कआउट ड्रिंक सो आई एम रीच्ड होम और मेरी दादी अभी मुझे रोटी बना के देगी मतलब बेसिकली वो सबके लिए बना रही है और मैं दो चपाती लूँगा और साथ में सोया चंक्स फॉर गुड प्रोटीन और कुछ काप्स भी आ जाएंगे कुछ ही प्रोटीन के सोर्स ले सकता है चिकन नहीं था एग्स है बट एग्स मैंने ब्रेकफास्ट में खाए थे तो अभी खाने का मन नहीं है देखिएगा मैं ऐसी कोई स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो नहीं करता हूँ जो घर में बना रहता है वो भी मैं खा लेता हूँ लाइक राइस हो गया
कभी ये चपाती हो गई, एक या दो खा लेता हूँ। हल्के फुल्के आप सब खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेगुलर अपने डाइट में प्रोटीन ठीक रखें, एक या दो स्कूप ऑफ वे प्रोटीन अफोर्ड कर सकते हैं। करिए एक स्कूप तो आप ज़रूर करिए, दो स्कूप कर सकते हैं, दैट्स वेल एंड गुड। और हर मील में आपका कुछ प्रोटीन होना चाहिए, 20-30 ग्राम्स अप्रॉक्स तो चलेगा। मैं अगर अच्छे से डाइट फॉलो करता हूँ, अभी तो यहाँ पे स्केड्यूल पूरा बिगड़ा हुआ वगैरह आया हो, तो उड़ीसा में मोस्टली ठीक रहता है। तो मैं दिन में 5 मील्स लेता हूँ, जिसमें मेरे मतलब ब्रेकफास्ट और शाम के स्नैक्स भी ऐड होके, मतलब मेरे 5 या कभी 6 मील्स भी हो जाते हैं अगर अच्छे से करता हूँ। अभी तो 4-5 मील्स हो रहे हैं, और वो भी बे टाइम हो रहे हैं। अभी 3 बज रहे हैं और अभी मैं ले रहा हूँ दिन का सेकेंड मील आप बोल सकते हो, जबकि अभी तक यहाँ से अगर मैं उड़ीसा में रहता तो यहाँ से 1 घंटे बाद मैं थर्ड मील ले रहा होता, बट नो प्रॉब्लम। एंड द मोस्ट एक्साइटिंग थिंग इज़ कि मैंने आज 40 kg डंबल से अपना पहला अटेम्प्ट दिया था और मुझे 6 रेप्स मिले, दैट्स वेरी गुड। नेक्स्ट टाइम आई विल मेक श्योर आई विल डू 10 रेप्स फ्रॉम 40 kg ऑफ डम्बल्स। इंक्लाइन प्रेस था, इंक्लाइन बेंच डम्बल प्रेस, और इट फील सो गुड। आपने देखा होगा मैंने रिपीटेटिव सारी वीडियो डाली, पहले 30 kg के साथ, फिर 35, फिर 40 kg के साथ, दैट्स डैम गुड। मैंने रील भी बनाई है। आजकल मैं यूट्यूब में ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता हूँ, बट इंस्टाग्राम में एक्टिव रहता हूँ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मस्त मस्त रील बना रहा हूँ भाई मैं, वहाँ पे जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक, और यहाँ पे नीचे मैं स्क्रीन पे भी दिखा रहा होगा, GS_FitLife मुझे फॉलो करिए। अगर आपको मेरी वीडियो वाली अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, एटलीस्ट जो जमशेदपुर में है यार वो तो मुझे सपोर्ट करो। जो गोल्ड सिम में देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो जमशेदपुर से है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिनको ये वीडियो लगी अच्छी वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, जिनको प्रॉब्लम है वो भी, जिनको नहीं है वो भी, जो खुश है वो भी। ओके गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो। ओके बाय।